प्रभु यीशु मसीह जो जमीन अते आसमान का मालिक है, अज फिर असी धन्नवादी हाँ कि प्रभु साढ़े जीवन के उत्ते उसने दया की है और उसने अज फिर सानू जीवंदे रखा है। मेरे अज जो अज का टॉपिक बदलिया नहीं, पर अज का यह है कि रोम का सफर है जहाज के उत्ते, पौलुस का रोम का सफर अते जहाज का टुट जाना। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे, अज बहुत ही दुखदाई है क्योंकि 14 दिन अते 14 रातां पौलुस दा ते उहदे साथियां दा और उन्हां सारे फौजियां दा जिहड़े उहदे नाल रोम वल नूं जा रहे सी, जाने कि इटालिया नूं जा रहे सी, उन्हां दा सफर है, बड़ा डरावना सफर है। इस करके मैं पढ़ना चाहुंदा हाँ, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। रोम दा सफर अते जहाज दा टुट जाना, जां इह गल ठहरी जो असी जहाज उत्ते चढ़ के इटालिया नूं जाइए तां उन्हां ने पौलुस अते कई होर कैदियां नूं जूलियस नामे पातशाही पलटन दे एक सूबेदार नूं सौंप दिता। अते असी अदर मुतायो दे एक जहाज तों जिहड़ा एशिया दे किनारे दे शहरां नूं जाण वाला सी सवार होके तुर पए अते 38 कुश और थसलुनीके दे एक मकदूनी साडे नाल सी। अगले पलक असी सैदा विच जा उतरे अते जूलियस ने पौलुस नाल चंगा सलूक करके प्रवानगी दित्ती जो अपने मित्रां दे कोल जा के चैन नाल रहो, और उत्थे जहाज खोल के असी कूपरस दे ओले जा निकले क्यों जो पौन सामने सी। कूपरस अज असी उसनों साइप्रस कहिंदे हाँ। और मेरे अजी जो बड़ा डरावना सफर है, खुदा दे सेवक संत पौलुस दे लई और उहदे नाल होर भी सैकड़े लोग जिहड़े रोम नूं जा रहे सी। उस वेले रोम नूं रोम शहर है और अज उस नूं इटली आख्या जांदा है, पर उन्हां दिनां विच उहनूं इटालिया आख्या जांदा सी। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। मेरे जी जो उसने कैसर दे अगे पेश होने की दुआई दित्ती सी कि मेरा न्याय जिहड़ा है वो कैसर दी गद्दी दे सामने होवी। हुण असी देखते हाँ कि कैसरिया तो चल के बहुत लंबा सफर है जिहड़ा इटली का सफर है, और रोम दे विच उसने जा के कैसर दे सामने पेश होना सी। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। और लिखत कहिंदी है अते जां सी किलकिया और पंफुलिया दे लागे तो समुंदरों पार लंघे तां लुकिया नगर नूं मूरा विच आ उतरे। रावण तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहुंदा हाँ कि अज तुहानू सिर्फ
पौलुस का सफर ही मिलेगा जिहड़ा उसने जिक्र किया है और अपने सफर का उसने लेख किया है। लिखा जा अन्ना चिर जा किन्ना चिर बीत गया अते समुंदर का सफर डरावना हो गया सी, इसलिए जो वर्त के दिन लंघ चुके सन तां पौलुस ने उन्हां नूं इह कह के समझाया कि हे पुरखो, मैनूं दिसदा है जो इस सफर विच बुरा हाल अते बहुत घाटा होण वाला है, निरा माल अते जहाज दा नहीं सगो साडे प्राणा दा भी। पर सूबेदार ने पौलुस दीआं गल्लां नालों मना ते सिर करदा अते जहाज दे मालक दीआं गल्लां नूं वध मन्निआ, इसलिए ओह घाट सियाल दे कट्टण लई चंगा ना सी। बहुतिआं ने इह सलाह दित्ती भई इस घाट ते ना रुको, असीं अग्गे चलदे हां। मेरे अजीजो, उस सर्द रुत दा समा है और सियाल विच तुहानू सब नू पता होवेगा कि यूरोप दे विच बर्फ पैंदी है और मेडिटेरियन सी दा ओह हिस्सा है जिहड़ा यूरोप नू लगदा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। तो मैं दसना चाहुंदा हाँ, आज पौन दे टहे चढ़ गया अते ओदे सामने ठहर ना सकिया तां साडी कोई वाह ना चली अते असी रुड़दे चले गए अते कलेवा नामे एक छोटे टापू दे हेठ जा निकले। असी मसा मसा डोंगी नूं काबू विच लियाए, सो जां उन्हां उस नूं चुक लिया तां सहारा दे के जहाज नूं थल्लिओ कसिया, इस करके भई ओह किते बरेते विच खूब ना जावे और असी बरेते विच ना जा फसीए। एवें रुड़दे गए जां हनेरी दे कारण असां बहुत हुदके खाधे, तां दूजे दिन उन्हां ने जहाज दा भार कढ के सुट दिता और तीजे दिन उन्हां अपने हथीं जहाज दा असबाब भी उतार सुटिया अते बहुत दिनां ताईं ना सूरज ना तारे विखाई दिते अते वड्डी हनेरी चलदी रही। मेरे अजीजो, ये 14 दिन अते 14 रातां जिदे विच सूरज भी विखाई नहीं दिता, तारे विखाई नहीं दिते, कुछ भी पता नहीं सी लगदा। पौलुस कहिंदा सी इधर उधर रुड़दे फिरदे सां। इस करके कादे लई है तां जो प्रभु दे वचन दी गवाही दित्ती जावे। और जदों बरनाबास दे नाल पौलुस उस इलाके विच सी जिस नूं तरसुस आख्या जांदा है और उत्थे इह ठहरिया होया सी और अपने अकूला दूसरे का नाम मैं भुल गया, मियाँ बीवी सी और एक तंबू सीन का काम करते सी बरनबास। और मैं दसना चाहुंदा कि वो तरस और पौलुस ने कहा मैं रोम विच जावांगा।
मैं रोम विच जाके मसीहा दी गवाही दवांगा। याद रखो जो ओदे मुंह तो ये निकल गया और ये काम होना सी और पौलुस नू रोम विच पहुंचना पैना सी। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। ये सफर बहुत डरावना सफर सी जिहड़ा पौलुस कर रहा सी। 14 दिन हिसाब लो, 14 दिन 14 रातां लंघ गईयां, ना सूरज विखाई दिता ना सितारे विखाई दिते, बस रुड़दे ही जांदे सन। ज्यादा सबाब भी उन्हें ला के सुट दिता और इत्थों तक कि जिहड़े मलाह सीगे ਉਹ ਉਸ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਡੋਂਗੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ और याद रखो मला ओदे तो भज ना सके। तो प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। सिर्फ पौलुस ली एहो डरावना सफर नहीं सी, बल्कि उसने होर भी बड़े दुख सहे हुए सन। आओ मैं तुहानू दूसरा करंथियां 5:23 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11:23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ अपने दुखां नूं फिर लिखदा है। वो कहिंदा है कि वो मसीह दे सेवक हन, मैं बेशुदा हाँ, मैं वधीक मेहनतां विच वधीक, कैदां विच वधीक, मार खाण विच हद्दों बार, मौतां विच बहुत बारी, मैं 5 वारी यहूदियां दे हत्थों 1 कट 40 कोड़े खादे ने, 5 वारी। और कहिंदा है 1 बार मैं पत्थरों हो गया, उन्होंने 1 वारी मैनू पत्थर मारे। और लिखा है 3 वार बेड़े दे गर्कन तो दुख भोगया, और 1 रात 1 दिन समुंदर विच कटिया, बहुत बार पैंडियां विच, दरियावां दे पहुंचना विच, डाकुआं दे पहुंचना विच, कौम वालों पहुंचना विच, पराइयां जातियां पराइयां कौमां वालों पहुंचना विच, नगर दे पहुंचना विच, उजाड़ दे पहुंचना विच, और समुंदर दे पहुंचना विच, और खोटे विच मेहनत पोरियां विच कई बार फाकियां अते उनींदियां रहण विच। असी पौलुस दी जिंदगी नू 3 दिन हो चले ने बयान कर रहे हां तां जो साडे भैणां भरावां दे पास इह संदेश पहुंचे और उन्हां नू पता लगे कि मसीह जीवन जिहड़ा है वह दुखां दे नाल भरिया होया जीवन हुंदा है। और वह लोग जिहड़े प्रभु नूं प्यार करदे ने वह दुख सह लैंदे ने, पर वह मूंह नहीं, कि उहनां दे कोल इक बड़ी वड्डी आस हुंदी है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे।
फिर हां और किस तरह असी उस दे नाल, क्योंकि सानू एवं जापता है जिस तरह असी पौलुस दे नाल हां। लिखा है जहाज पौन के तए चढ़ गया और उन्होंने अपने हथी सारा सवाल और प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो लिखा है अते बहुत सारे फाकियां दे पिछों पौलुस दे विच पौलुस उन्हां दे विच खलो के बोलिया कि हे पुरखो तुहानूं चाहीदा सी जो मेरी गल मन के करेत तो जहाज ना खोल दे ता ए बुरा हाल अते घाटा ना हुंदा। हुण मैं तुहानूं समझाउंदा हां भाई तुसी हौसला रखो क्योंकि तुहाडे विचों किसे दी जान दा नुकसान ना होवेगा पर निरा जहाज दा, इसलिए कि ओ परमेश्वर जिहदा मैं हां अते जिहदी मैं सेवा करदा हां ओहदा दूत अज रात मेरे कोल आया आ खलोता अते बोलिया हे पौलुस ना डर, जरूर है जो तू कैसर दे अगे हाजर हुई अते वेख परमेश्वर दे सबना नू, परमेश्वर ने सबना नू जो तेरे नाल जहाज विच हन तेनू बख्श दिता। उपरंत हे पुरखो हौसला रखो क्यों जो मैं परमेश्वर दी प्रतीत कर कहा ही होवेगा पर किसे टापू विच चले जावांगे। कवे दुख दे अंदर इन्ने डूंगे समुंदर दे अंदर इन्नी हनेरी दे अंदर जिथे ओ सब हौसला हार चुके हुए सन पर पौलुस ने उन्हां नूं कहा वेखो जिहदी मैं सेवा करदा हां मेरा परमेश्वर जिसने एक दूत नूं कल के मैनूं दस दिता है कि तुहाडियां जानां दा कोई नुकसान नहीं होवेगा पर जहाज दा नुकसान होवेगा। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। मेरे अजीजो इत्थे 31 आयत मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा, 30 तो शुरू करांगा और लिखत कहिंदी है जद मलाहां ने जहाज उत्तो भजना चाहिया अते अगले पासों लंगर पाउण दे बहाने नाल डोंगी नूं समुंदर विच उतारिया तद पौलुस ने सूबेदार अते सिपाहियां नूं कहा कि जे इह जहाज उत्ते ना रहण तां तुसीं नहीं बच सकदे। तदों सिपाहियां ने डोंगी दे रस्से वढ के उहनूं डेग दिता अते जां दिन चढ़िया चढ़न लगा तां पौलुस ने सभना नूं मिन्नत कीती भोजन छको अते आख्या भाई अज तुहानूं आसरा तकदिआं 14 दिन जो फाका कीता है 14 दिन तो फाके विच हो अते जो कुछ नहीं तुसां खादा सो मैं तुहाडी मिन्नत करदा हां भाई कुछ भोजन छको क्यों जो इहदे विच तुहाडे बचाओ है, इस लई जो तुहाडे विचों किसे दे सिर दा इक वाल भी वेंगा नहीं होवेगा। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। मैं दसना चाहुंदा क्यों लोग बच गए, ओ लोग क्यों बच गए जद 14 दिन और 14 रात देरी सी और सूरज विखाई नहीं सी देंदा और चंद
तारे विखाई नहीं सी देंदे, हनेरी बहुत चलती सी और पानी दियां लहरां उन्हां दे जहाज नू चुक चुक के मार दियां सन और 14 दिन ते 14 रातां होया। इस करके ओ सारे लोग बच गए क्योंकि खुदा दा बंदा पौलुस, खुदा दा सेवक पौलुस, खुदा दा रसूल पौलुस उन्हां दे नाल सी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी कृपा देवे। कई बार परमेश्वर दे बंदियां दे जरिए बड़ा बड़ा वड्डा बचाओ हो जांदा है और इस करके वेखते हाँ एक जहाज की होर गल करन लग्या हाँ। वो जहाज नीनवा नूं जाण वाला सी पर वो तरसिस नूं जा रहा सी, वो तरसीस नूं जा रहा सी और जिदे विच यूना सवार सी। यूना नीनवा नूं नहीं सी जाना चाहुंदा पर खुदा उस नूं नीनवा विच खड़ना चाहुंदा सी। आखर जदों वो जहाज टुटन लग्या उन्होंने भी सारा कुछ अपना समुद्र विच सुट दिता और अपने देवत्यां दी पुकार करन लगे। और जदों यूना नूं थल्लों जहाज दी थल्ले दे हिस्सों लभ्या और उन्हूं कहा भाई तू कौन है, किन्ना लोकां विचों है, किन्नू मानदा है? और मेरे अजीजू उन्हें कहा मैं इब्रानी हाँ, मैं यहोवा परमेश्वर दा दास नबी हाँ। उन्होंने कहा तू अपने यहोवा परमेश्वर नूं पुकार। उन्हें कहा मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, मैनू जहाज तो थले सुट दियो ते तुहाडियां जाना बच जाणगियां। क्योंकि खुदा उस नूं नीनवा नूं खड़ना चाहुंदा सी और फिर वड्डी मच्छी दे मूंह विच जदों सुट्टिया गया ते मच्छी ने मूंह खोल के यूना नूं अपने अंदर लै लिया और नीनवा नूं चले गए। बड़े दुख समुंदरां दे हुंदे ने। इस करके मेरे अजीजो खुदा दे सेवक खुदा दे रसूल पौलुस नूं भी बहुत दुख चलना पिया और मैं कहिंदा हाँ पढ़दा हाँ सो उसने मिन्त कीती भई कुछ खाओ क्यों जो तुहाडा इहदे विच बचाओ है। 35 आज कहिंदी है एक कह के उन्हें रोटी लई अते सभना दे सामने परमेश्वर का शुक्र कीता अते भन के खाण लगा। तो उन्हां सभना नूं हौसला होया अते उन्हां आप भी अन्न पानी खादा। असी सरबत 276 प्राणी सां। ये किन्ने आदमी सी जहाज उत्ते? 276 लोक सन जिन्हां दी जान खुदा दे सेवक संत पौलुस दे जरिए आदमी बच के निकल गए। अते जाओं उन्होंने अन्न पानी खा के रज गए तो लिखा है उन्हां कणक नूं समुंदर विच सुट के जहाज नूं हौलिया कर लिया। तद दिन चढ़िया जद उन्होंने उस देश नूं ना पछाता पर एक खाड़ी दिठी जिहदा कंडा पदरा सी अते ओह मलाहां कारण ओह सलाह करन लगे भाई असी जहाज नूं ढक के उस उत्ते चाड़ दईए। सो मेरे अजीजो मैं दसना चाहुंदा हाँ कि इत्थे जहाज जिहड़ा सी पिछों सल्लां दे नाल टुट भज गया और सूबेदार ने कहा तुसी जहाज दीआं चीज़ां दे उत्ते उहदीआं फट्टियां और किस तरह भी तुसी इस टापू विच चलो
असि सारे चलते हैं। और उथे जो टापू के उतर गए और उस टापू के लोगों ने बड़ी औ भगत की और उन्होंने सारे रोटी पानी बनाया और उन्होंने अग सकई और जो लकड़ियां पौलुस चुन के अग के उत्ते रख रहा सी सप चढ़िया हाथ नूं चंबड़ गया और उसने उसनूं धूएं विच छिड़क दिता चटक दिता और लोग आखन लगे जे जहाज तो बच गए ने ते हुण इस बंदे नूं सप लड़ गया है ये हुण बच नहीं सकेगा। पर बड़े अचरज रह गए और उस सूबे दे बहुत सारे लोगों ने उथे दे जेड़ा टापू दे विच रहन वाला एक आदमी सी जेड़ा मरोड़ां दे नाल और बड़ा ही सख्त बीमार सी पौलुस ने प्रार्थना कीती और वह बंदा बच गया और उन्होंने बड़ी खुशी दे नाल 276 लोगों की सेवा की। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे जे कदे तुहाडे घरां चों खुदा दा बंदा आवे ते जरूर उहदा आदर करियो क्योंकि खुदा दे लोकां दा आदर करना बड़ा मुबारक हुंदा है। सेवक कल्ला नहीं हुंदा सेवक दे नाल सेवक दा खुदा हुंदा है। इस कारण बहुत सारी बरकत दे तो अज असीं पौलुस दे समुद्री सफर का जिक्र किया है किधर नू जा रहा है लिखित कहती है रोम का सफर जहाज का टुट जाना अज तुहाडे सामने पेश किया गया है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे। कल असी रसूलों के करतब का आखिरी अध्याय है और ये 28 अध्याय है और असी इनू जरूर लवेंगे और कल दा जिहड़ा संदेश होगा पौलुस रोम दे विच खुदावंद तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे। ये पौलुस दे रोम दे सफर सन उहदे सफरां विचों ये भी एक बहुत डरावना और बहुत लंबा सफर सी जिहदे विच 14 दिन ते 14 रातां लग गई सी। अगे जेड़ा इटली नू जान दा सफर सी वह वक्रा सी। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। इस करके आओ असी भी अपनी जिंदगी दे सफर विच आ और साढ़े सफर विच भी कुछ उलझना आउंदियां ने मुश्किल आउंदियां ने मुसीबत आउंदियां ने और कई बारी घाटे हुंदे ने पर खुदा मैनू ते तुहानू संभालण दी समर्था रखदा है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। आओ अखां नू बंद करांगे दवाइया हालत विच होवांगे। साडे प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत बहुत धन्नवाद होवे। तू मुबारक है जिसने प्रभु यीशु मसीह अज दे इस प्रभु जी टॉपिक नू पूरा होण दे लई कृपा दित्ती है। प्यारे खुदा भी इस मसीह तेरी दया होवे तेरा शुक्र होवे। प्रभु यीशु मसीह सुन वालियां ते तेरे वचन दा गहरा असर होवे कि किस तरह पौलुस ने दुख सहे ने और सानू भी दुखां मुसीबतां नू सह के प्रभु दे नाल नाल चलते रहना। प्रभु तू कृपा करी और खुदा भी इस मसीह जिन्ना चिर असी मुसाफर इस धरती दे उत्ते हाँ प्रभु साड़ी सहायता करें और साडे नाल होवें और साडे सब पाइया पैना सेवकां पासना और सबना दे नाल तेरी कृपा बनी रहे। तेरा शुक्र होवे प्रभु बहुत वड्डी कृपा दे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हां आमीन।